अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने आए। गोपियां रुदन करती हैं, यशोदा मैया नंद बाबा रुदन करते, ब्रजवासियों के साथ मथुरा ठाकुर जी गमन करते। हमारे गोविंद मथुरा में भ्रमण करते, धोबी मामा जी का वध करते, नामदेव जी के यहां पर अपने सहपाठियों मित्रों को वस्त्र सिलवाते, सुदामा नाम के माली पर कृपा करते ठाकुर जी, और तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा पर कृपा करके उसको सुंदर बना करके प्रकट करते। जहां पर राजा कंस ने मारने के लिए भगवान को बुलाया था, उस मैदान के बाहर कुबलिया पीड़क नामक हाथी लगा रखा था, बलदाऊ भैया ने उसका वध कर दिया। और रंगभूमि में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा, बाकी सारे ब्रजवासी बैठे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तेज, जिसकी जैसी भावना ठाकुर जी उसको वैसे ही दिखाई पड़े। और सल तोसल मुष्टिक चाणूर ये पहलवान ठाकुर जी को ललकारने आए कि माई का दूध पिया है तो आओ लड़ो। भगवान दो दो मुक्का की करने लगे, पहलवानों का वध करके ठाकुर जी रंगभूमि पर चढ़ गए। केस के बाल पकड़ करके पूरी रंगभूमि में खचोरा लगाकर, मामा कंस के बाल पकड़कर पूरी भूमि में खचोरा लगाकर उसके ऊपर बैठ करके पापों को ध्यान करवाया। एक मुष्टिक बना करके जैसे ही कंस पर प्रहार किया, कंस का वध हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। कंस की दो पत्नियां, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति, ब्रजवासियों को वापस किया भगवान ने। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। अस्ति और प्राप्ति दोनों जरासंध की बेटियां। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। इसी बीच में ठाकुर जी संदीपनी आश्रम उज्जैन गए, वहां पर अध्ययन किया। गुरु ग्रह पढ़न अल्पकाल में ही विद्या अध्ययन प्राप्त कर ली। और विद्या पाकर के ठाकुर जी वापस आए तो 18वीं बार जरासंध ने 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया कि अगर इस बार हम विजय प्राप्त नहीं हुए युद्ध में तो तुम सब ब्राह्मणों को मार देंगे। भगवान भक्त वत्सल हैं, अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए बीच में ही ठाकुर जी युद्ध छोड़कर भाग गए और द्वारकापुरी में जाकर के निवास करने लगे। भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उसी समय एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 4 पुत्र 1 पुत्री। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा तो अपना ही बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन जो रुक्मी पुत्र था वो राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन रुक्मणी का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। पिताजी को आकर बताया, पिताजी परसों बारात आ रही। पिताजी बोले कहां से? दमघोष पुत्र शिशुपाल के यहां से। पिताजी चौंक गए, पुत्र के आगे एक नहीं चली, पर रुक्मणी मैया तो हमारे ठाकुर जी से प्रेम करती थी। उन्होंने 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता ये दे आओ ठाकुर जी को, अति इमरजेंसी है। भगवान ब्राह्मणों के बड़े सेवक, ब्राह्मण को आता देख ठाकुर जी अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, दरवाजे तक लेने गए। ध्यान देना, गुरु संत ब्राह्मण भक्त ये घर पर आवे तो मदांधता में बैठे मत रहो, खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए, इससे उच्चता प्राप्त होती है। ब्राह्मण का स्वागत किया, भोजन कराया। अब बताइए भगवान कैसे आए? महाराज ये इमरजेंसी कॉल आई है, पत्र पढ़ा, उसमें रुक्मणी जी ने लिखा था, सरकार हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमने आपको समर्पित कर दिया, हमारे पिताजी भी आपसे ही हमारा विवाह करवाना चाहते। परंतु भाई ने रोड़ा डाल दिया। एक उपाय है,
हमारे घर में गौरी पूजन का नियम है, गांव के बाहर हम गौरी पूजन करने आएंगे, मैं अकेली रहूंगी, तब आप हमारा हरण करके ले जाना, लेकिन जल्दी आना। ठाकुर जी के चार घोड़े सैब सुग्रीव मेघ पुष्पक बलाहक, चारों घोड़ों को रथ में निभाया, ठाकुर जी विदर्भ देश पहुंच गए। तब तक बारात आ गई थी, शिशुपाल दूल्हा बनकर आ गया था, दूल्हा तो पी रहा था रायता, तब तक हमारे ठाकुर जी पहुंच गए। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कहा, पिताजी बारात आ गई, सगाई नहीं चढ़ी, सगाई चढ़वाओ, सामान ले जाओ। सामान लेकर राजा जा ही रहे थे, तब तक किसी ने खबर दी कि द्वारकाधीश भी आए हैं, उस वक्त ठाकुर जी का नाम बड़ा फैल गया था, भयंकर। सोचा कि इनका स्वागत कर लिया जाए, स्वागत करने गए तो मंत्रियों ने सोचा कि शायद यही है दूल्हे राजा, दिखते ही वैसे। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, चढ़ गई नंदलाल की। राजा नाराज हो गए, अरे ये नहीं है दूल्हे राजा, दूल्हे राजा तो मिर्चवानी पी रहे, हाँ ये तो भाई द्वारकाधीश हैं। ठाकुर जी मन ही मन बोले, ठीक रहो ससुर जी, कम से कम नियम तो पूरा होगा कल के दिन, वरना लोग ये कहते कि बिना नियम के ब्याह अब हो, सब नियम पूरे हो जाए। अब आप पधारी गए हैं, तो राजा ने कहा सरकार जरा घर चलिए। भगवान बोले चलो। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, द्वारकाधीश आए द्वारका, ओहो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, हे भगवान दूल्हा कितना सुंदर है, जय हो भगवान, ऐसी सुंदर हमारी बिटिया रुक्मणी, दूल्हा भी इतना सुंदर। एक मंत्री ने बताओ जे नहीं दूल्हे राजा, दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में रसगुल्लन को अपनो सीरा छुटा रहे, ये तो द्वारकाधीश आए। अच्छा, बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़ के कहने लगी, हे भगवान यही दूल्हा बन जाए, कम से कम लिवाने के बहाने दर्शन तो होते। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा के बोले, अम्मा चिंता ना करो, ई रजिस्ट्री पे हम ई प्लाट पे हमारी रजिस्ट्री हुई है, कोई और नहीं आएगा, आशीर्वाद। मध्य में ठाकुर जी को ध्यान आया, कहीं रुक्मणी जी पूजा करके ना भग जाएं, बीच में ही विदा ली। अच्छा महाराज हमें आज्ञा दो, हम फिर आएंगे, अच्छे से मिलेंगे दोबारा। ठाकुर जी रथ लेकर आए, तब तक जरासंध भी उस बारात में आया था, उसने शिशुपाल के कान में बताया द्वारकाधीश आए, तुम्हें खबर लगी? शिशुपाल बोला, तो बोले ये जहां भी आते वहां दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती है, क्या करें, बिटिया की सिक्योरिटी बढ़ा लो, वरना जौन सी पाल की तुम दुल्हन के लेने लेबे के लाने लाए हो, वही में बैठ के तुम ना जाइयो कहूं, हैं? दुल्हन की सिक्योरिटी बढ़ा दी, सैनिक भेज दे। अब रुक्मणी मैया चौंक गई, हे भगवान हमने तो कहा था अकेले रहेंगे, यहाँ तो साफ भारी सेना आ गई, कोई बात नहीं। मनु जाहि राचिव मिलहि सोभ, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचिव मिलहि सोभ, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सीर, स्नेह जानत राम, करुणा निदान सुजान सीर, स्नेह ही बर मिले। जब बाहर आई प्रणाम करके पूजन करके, आहा अब सोचने लगी कि हम इनमें ठाकुर जी को कहां पहचानेंगे, पर वे सोचने लगी कि हमारे कन्हैया जहां भी होंगे अलग होंगे। तब तक सैनिकों के सामने एक रथ पर ठाकुर जी खड़े दिखाई पड़े, प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी ने इशारा किया है, ये सेना चिंता मत करो। भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी मैया सिपाहियों की तरफ मुस्कुराती रहीं, रथ पर बैठ गईं और ठाकुर जी रथ पर चढ़ा करके ले गए।